नमस्कार। अभी हमारे समय में कोरोना तो एक आइकॉन बन गया है। रात दिन कोरोना के अलावा और कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। किसी से फ़ोन पर भी बात किया जाता है तो कोरोना के बारे में ही, घर में बात होती है तो कोरोना के बारे में। चलिए, इस बीच जो ये समस्या आई हुई है तो एक पक्ष जो हम लोग का है, जो घर में बच्चे हैं, अब पेरेंट्स के लिए एक समस्या क्रिएट कर रहे हैं। पहले था कि स्कूल आते थे जाते थे तो उनका मैक्सिमम समय पढ़ाई में गुजरता था, ट्यूशंस में, होमवर्क बनाने में, सुबह से तैयारी करना है, स्कूल आना है, जाना है। लेकिन अब तो सारे काम बंद हैं। तो क्रिएशन गुरुकुल के पेरेंट्स फ़ोन कर रहे हैं कि सर, इस समस्या का कोई तो उपाय निकले, अगर ये 4 महीना चलेगा कोरोना फिर कैसे होगा। एक तो पढ़ाई से लिंकेज ख़त्म हो गया बच्चों का, तो कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कम से कम बच्चे तो पढ़ने बैठें। तो इस क्षेत्र में भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि कैसे करें। सबसे बड़ी समस्या है कि कोरोना का एंट्री उस समय हुआ जब बच्चे अगले क्लास में जाते हैं, फाइनल एग्ज़ाम दे दिए। बहुत जगह तो एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई कि उन्हें प्रमोट कर दिया जाए बिना एग्ज़ाम के। ये सब तो पॉलिसीज़ की बात हुई, लेकिन अब पढ़ाने की जहाँ तक बात है, या बच्चों के मान लीजिए फ़ोन से भी बताया जाए तुम ये चैप्टर करो, तो उनका तो सीधा जवाब है कि अब तो कोर्स बदल गया सर, नया बुक आएगा तभी ना पढ़ेंगे। तो ये भी उनका, उनके तरफ से जो प्रश्न आ रहा है इसका भी कोई जवाब मिल नहीं रहा। दूसरा, हमारे स्टेट बिहार में या अन्य जगह भी जिसे पेरेंट्स या सिस्टम कह रहा है कि ऑनलाइन से पढ़ाया जाए, तो कुछ शहरों को छोड़कर ये सुविधा भी नहीं है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि चलिए ऑनलाइन से भी कर रहे हैं लोग तो बच्चे घर में बैठे हैं। मेन बच्चों की पढ़ाई का सबसे बड़ा माहौल होता है कि वो क्लासरूम में रहें, टीचर अटेंटिव रहे, बच्चों को देखे। अब घर में तो मान लीजिए शुरू तो किया है लोग, लेकिन बच्चे चलिए 1 घंटे मान लीजिए 12 बजे से 1 बजे टाइम दे, भाई आपको पढ़ाई होगी, बच्चे मोबाइल खोलें क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कुछ किसी का तो कमांड है नहीं। लेकिन ना से हाँ हो रहा है, तो हम लोगों ने भी सोचा कि क्या किया जाए। इस पर नया क्लास है, नया चीज़ है, उसके बारे में तो कुछ आइडिया है नहीं बच्चों को। अगर बच्चों से मान लो कुछ काम करने को कहेंगे तो बोलेंगे सर ये तो पढ़े नहीं है, जानते ही नहीं है, कैसे हम होमवर्क बनाएं। तो एक हम लोग हर क्लास का एक जनरलाइज कैप्सूल बना रहे हैं जो बच्चे देखेंगे, उसमें होमवर्क भी रहेगा, वो बना के लाएंगे, आगे चेक होगा। नंबर एक अभी है कि क्या पढ़ाया जाए, तो उस सिलेबस से कंसर्निंग जो भी बातें होंगी, जो सब्जेक्ट मैटर में होगा अगले क्लास का, उस पर हम लोग एक जनरल व्यूज़, जनरल विचार देंगे और उसमें से कुछ टर्म्स में देंगे जिस पर उन लोग को लिखना होगा। तो कुछ तो काम करेंगे वो घर पे, और जब स्कूल जब खुले, जब आएंगे तो वो टर्म से तो परिचित रहेंगे, तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा। अब ये चीज़ है कि सिर्फ हमारे स्कूल के बच्चे नहीं, दुनिया में जो भी बच्चे हैं इसका फ़ायदा लें, और अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम हो या पेरेंट्स को भी कोई समस्या या कुछ लग रहा हो तो हमारे साइट पे आके अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कि उसका सॉल्यूशंस उन बच्चों तक या उन पेरेंट्स तक
पहुंच जाए। तो हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में क्लास स्टार्ट करेंगे और बताएंगे किस क्लास के लिए है, और वो बच्चे उसको देखेंगे। ठीक है, नमस्कार।